आईपीएल की शुरुआत और इसके खात्मे के बीच जो सबसे पहली खबर आने लगती है और जो बड़ा सवाल छोड़ कर जाती है वो होता है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कि आईपीएल खेलेंगे, कितने दिन खेलेंगे। भले ही पूरे सीज़न में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों नहीं रहता हो, लेकिन जब आईपीएल का समापन होता है तो एक सवाल धोनी को लेकर यही रहता है कि माही अगले आईपीएल में खेलने उतरेंगे या नहीं। ये तमाम सवाल जो है, रिपोर्ट्स जो है, चलते ही रहता है धोनी को लेकर। लेकिन इस बीच जो है धोनी ने खुद, महेंद्र सिंह धोनी ने खुद इस बारे में क्लियरेंस दिया है कि अगला जो आईपीएल होने वाला है उसमें वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। देखिए, दो बार इंडिया को वो वर्ल्ड कप जीता चुके हैं, वनडे में और T20 में। उसके बाद हैदराबाद में एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उससे सवाल पूछा गया इन चीज़ों को लेकर धोनी से, तो उन्होंने सीधा कहा कि इसमें बहुत वक्त बाकी है और इसमें देखना होगा कि रिटेंशन क्या होता है, कौन सा प्लेयर किधर जाता है, गवर्निंग जो होती है वो कौन सा फैसला लेती है आखिर, जो आईपीएल की गवर्निंग है। इन तमाम फैसले के बाद ही वो जो है अपने संन्यास और आगे खेलने के फैसले पर अपना फैसला लेंगे। और लगातार इस चीज़ को लेकर हो ही रहा था सवाल धोनी को लेकर कि वो अगले आईपीएल और कयासों का दौर बेसिकली आप कह सकते हैं ये चल रहा था, लेकिन धोनी ने ये क्लियरेंस दे दिया है कि डिटेंशन क्या होता है, आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है वो किस तरह का डिसीजन लेती है, उस बिहाव पर ही वो अपना डिसीजन लेंगे और जो भी वो डिसीजन लेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा, टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। एक बार बस वो भी धोनी भी बेसिकली ये वेट कर रहे हैं कि एक बार नियम आ जाए आईपीएल की तरफ से कि क्या होता है और क्या नहीं होता, उसके बाद ही वो फैसला लेंगे। हालांकि धोनी के बारे में आप बखूबी भी जानते होंगे कि चौंकाने वाले फैसला हमेशा वो लेते हैं, जब भी लेते हैं। जब वो उन्होंने 20 में जब रिटायरमेंट लिया हुआ था क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से, तब भी इसी तरह सदन लिए आए हुए थे और उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। आईपीएल को लेकर हर बार यही कयास लगाने जाता है कि धोनी इस बार खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इस बार भी कुछ ऐसा मसाला देकर गए हैं वो कि जिस पर कयासों का दौर अब शुरू हो गया है कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल जो है किस तरह की ये करती है, क्योंकि अभी देखिए जस्ट जो आज ही है गवर्निंग काउंसिल ने है जितने भी फ्रेंचाइजी हैं आईपीएल के उनके मालिक के साथ, अधिकारियों साथ वो उन्होंने मिले, आईपीएल की गवर्निंग का मुलाकात की है और उसमें जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट प्लेयर नियम होता है, कितने खिलाड़ी रिटेन किया जा सकता है, कितने की नीलामी होगी, इन तमाम सवालों पर जो है गवर्निंग काउंसिल ने एक बैठक की है तमाम फ्रेंचाइजी के साथ। और इसके बाद ही धोनी का एक बयान आता है कि क्या फैसला लेते हैं वो, ये तमाम चीज़ों हैं वो आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के फैसले पर ही निर्भर करता है, उनका ये आईपीएल खेलना या नहीं खेलना, रिटायरमेंट लेना आईपीएल से या नहीं लेना, आगे भी टीम के साथ रहना, किस तरह से टीम के साथ रहना, वो तमाम चीज़ें जो है आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल के फैसले पर ही डिपेंड करता है।